नमस्कार, आकांक्षा 2022 के मेंटल एबिलिटी का यह पार्ट टू वीडियो है। इससे पूर्व हमने पार्ट वन वीडियो प्रस्तुत किया था, जिसमें प्रश्न संख्या 121 से लेकर 130 तक के प्रश्नों को हल किया था। पार्ट टू वीडियो में प्रश्न संख्या 131 से लेकर 140 तक के प्रश्नों का हल प्रस्तुत कर रहा हूं, किंतु इससे पूर्व मैं आकांक्षा परीक्षा के बारे में थोड़ा बता दूं। यह बताना जरूरी है क्योंकि सभी इस परीक्षा से परिचित नहीं है। झारखंड सरकार सरकारी स्कूलों, राज्य सरकार के स्कूलों तथा राज्य सरकार से रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए यह परीक्षा आयोजित करती है। इस परीक्षा में जो छात्र छात्रा उत्तीर्ण होते हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए निःशुल्क कोचिंग कराई जाती है। आप जानते हैं कि प्राइवेट संस्थानों द्वारा जो कोचिंग कराई जाती है, उसकी फीस काफ़ी ज़्यादा होती है। तो गरीब घर के बच्चे, विशेषकर जो सरकारी विद्यालयों में पढ़ते हैं, उनके लिए उन प्राइवेट संस्थानों में जाकर कोचिंग करना काफ़ी मुश्किल का काम है। अतः राज्य सरकार अपने खर्च से बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग का अवसर देती है। तो इसके लिए आवश्यक है कि आप इस परीक्षा को पास करें। तो चलिए, इस इंट्रोडक्शन के बाद मैं शुरुआत कर रहा हूं। प्रश्न संख्या 131। इस प्रश्न में उस आकृति को चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहां चार आकृति दिया गया है, तीन किसी तरह से एक जैसे हैं और एक कोई इसमें से अलग है। तो आइए इसे देखते हैं। तो यहां आप गौर से इन चारों आकृतियों को देखें। तो देखिए, ए नंबर, ये जो तीर का निशान इसमें नजर आ रहा है, एरो, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ये बी वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, यानी घड़ी की सुई की दिशा में, और ये डी वाला भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। सिर्फ एक सी है जो एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में है। तो हमारा आंसर यही सी होगा। क्वेश्चन नंबर 132। देखिए, एक वृत्त बना हुआ है, इसके अंदर एक वर्ग है और कुछ संख्याएं दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन वाले मार्क में क्या होगा, ये हमें बताना है। तो थोड़ा सा इसमें कौन सा नियम रखा गया है, कौन सा नियम यह फॉलो कर रहा है, ये हमें पता करना पड़ेगा। तो यहां आप देखेंगे, 7 से 2 को गुना करेंगे इस तरह से, 7 गुना 2, तो ये हो जाता है 14। तो ये इस घर में आ गया इस तरह से, ये ऐसे ऐसे आ गया। अब देखिए, अब इसी तरह से अगर हम इसे करना चाहते हैं, 2 गुना 15, ये इस तरह से 2 गुना 15, तो ये 30 आ जाता है ना, ऐसे। अब यहां भी देख रहे हैं, अब ये इधर छोड़ देते हैं, इधर देखते हैं, 9 गुना 7, तो ये 63 आ जाता है। तो इसका मतलब हमें ये रूल मिल गया, 9 गुना 7 = 63। तो यही रूल चल रहा है। तो ये 15 गुना 9, तो क्या हो जाएगा, 15 गुना 9 = 135। तो हमारा आंसर होगा 135।
प्रश्न संख्या 133। इस फिगर में हमें बताना है कि कितने आयत हैं। तो आइए इसे गिनने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बड़ा वाला, ये इस तरह से, ये एक हो गया, ये यहां से लेते हैं, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये जो छोटा है चौथा हो गया, अब यहां से ये इस तरह से पांचवा, और एक यहां से इस तरह से ये छठा हो गया। छह के बाद ये बड़ा एक हो गया सात, अब उसके बाद ये हो गया आठ, यहां से यहां ये आठ, ये छोड़ देंगे, ये तो इसमें ले चुके थे, ये हो गया ये नौ, अब ये यहां से ये इस तरह से दस, और फिर यहां से इस तरह से ये ग्यारह। तो कुल ग्यारह आयत यहां हमें नजर आ रहे हैं। आपके पास इस आयत की गिनती का कोई और फॉर्मूला हो तो कमेंट में अवश्य लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 134, अपराध, और ये इसका दंड है, तो अच्छा कार्य का क्या होगा, पुरस्कार होगा। 135 नंबर, आयत और इसका विलोम है या विपरीत कहेंगे निर्यात, तो व्यय का विलोम क्या होगा, आय होगा। क्वेश्चन नंबर 136 से 138 में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, और इन आंकड़ों को पढ़कर आपको 136 से लेकर 138 तक के जवाब देने हैं। तो आइए इसे देखते हैं। चार व्यक्ति ए बी सी तथा डी कुल 100 रुपए लाए। ए तथा बी द्वारा लाया गया रुपया सी तथा डी दोनों मिलाकर लाए गए रुपयों के बराबर है। ए बी से अधिक रुपया लाया, सी डी द्वारा लाए गए रुपये से आधा लाया, ए डी से 5 रुपये अधिक लाया। तो अभी इसके आधार पर हमें प्रश्न संख्या 136 से 137 और 138 का जवाब देना है। तो इससे पहले हमें निकालना होगा ए कितना लाया, बी कितना लाया, सी कितना लाया और डी कितना लाया। तो ये प्रश्न काफी कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है, किंतु ये मैथ्स का प्रश्न है, गणित का प्रश्न है। अगर इसे हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो जैसे जैसे इस तरह के प्रश्नों में जैसे जैसे ये कहा जाता है, बस उसी तरह से हम समीकरण का निर्माण करते चलेंगे। ए बी सी तथा डी कुल 100 रुपए लाए। चलिए यहां पर लिखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये कितने लाए, 100 रुपए लाए। चलिए यहां तक हो गया। ए तथा बी द्वारा लाया गया रुपया सी तथा डी दोनों मिलाकर लाए गए रुपये के बराबर है। तो यहां पर लिखते हैं, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी है, यही कह रहा है, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी। तो हम इस ए बी की जगह हम लिख सकते हैं C प्लस डी, फिर ये हो गया C प्लस डी, ये पहले से है, बराबर 100। तो हम देख रहे हैं यहां 2C प्लस 2D हो गया, इसका टू 100, अर्थात C प्लस डी इसका टू 100 बटा
दो हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50। अब इससे आगे पढ़ते हैं। ए बी से अधिक रुपया लाया, ठीक है, सी डी द्वारा लाए गए रुपये से अधिक लाया, आधा लाया, सॉरी, सी डी द्वारा लाए गए रुपये से आधा लाया, तो सी के जगह सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर डी बटा टू, डी बाई टू, तो हम यहां सी के जगह लिख सकते हैं डी बाई टू प्लस डी इक्वल टू 50। तो ये सब इकरण हमें क्या बता रहा है, जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 2 LCM आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी प्लस 2D इक्वल टू ये 50 इंटू 2, ये नीचे वाला 2 इधर आ जाएगा इंटू में, तो ये हो जाएगा 100, अर्थात 3D इक्वल टू 100। तो ये क्या बता रहा है, डी इक्वल टू 100/3, और 100/3 कितना हो जाएगा, आप भाग देखे देखे 33.33। चलिए डी का हमारा निकल गया, एक हमारा मिल गया डी, सी डी द्वारा लाए गए रुपए से आधा लाया, तो अब सी का भी जो कंट्रीब्यूशन है वो पता चल जाएगा, सी इक्वल टू डी बाई टू, और डी कितना है 33.33/2, तो ये कितना हो जाएगा, आप भाग देके देखिए, तो ये हमारा कितना हो जा रहा है 16.665। तो चूंकि तीसरा 5 या 5 से ज्यादा होता है तो यहां 1 बढ़ा देते हैं, ये तो आप जानते होंगे, तो हम इसे ये 6 को 7 कर देंगे, इसे हटा दे रहे हैं और इसकी जगह हम 7 लिखेंगे। तो डी का हमें मिल गया कंट्रीब्यूशन 33.33 रुपये और सी का हो गया 16.67 रुपये। अब बच गया ए और बी, तो ए के कहा जा रहा है ए डी से 5 रुपये अधिक लाता है, तो ए डी का हमारा कितना है 33.33 और इसमें 5 रुपये हम जोड़ देते हैं, तो ये हो गया 38.33। अब रह गया बी, तो पहले हम ए सी और डी तीनों का कंट्रीब्यूशन जोड़ लेते हैं और उसको फिर 100 से घटा देंगे, तो आइए तीनों का हम कंट्रीब्यूशन जोड़ते हैं, तो ए का है, पहले ए का लिखते हैं, ए का है 38.33, बी नहीं मालूम है, बी तो निकालना ही है, सी है 16.67 और डी का है कंट्रीब्यूशन 33.33, इसे आप जोड़ें तो ये आ जाएगा हमारा 88.33 और 100 से इसको घटा दे, 100 से इसको घटा दे 88.33 को, तो ये हमारा आ जाता है 11.67। तो ये बी का कंट्रीब्यूशन निकल गया, किसका निकल गया, बी का। चलिए तो अभी ए बी सी और डी तीनों का कंट्रीब्यूशन हमें मिल गया है, तो अब हम प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं। 136 प्रश्न संख्या, सबसे अधिक रुपया कौन लाया, आप देख लीजिए यहां पर, यहां ए 38.33 लाया, सी 16.67, डी 33.33 और बी 11.67, तो सबसे ज्यादा जो लाया है वो है ए, ये ए हो गया। इसके बाद है 137 प्रश्न संख्या 137, बी कितने रुपए लाया, तो ये अभी हमने निकाला है बी का, देखिए
बी लाया 11.67, तो ये बी का हो गया 11.67। 138 में है दूसरे अधिक रकम लाना, दूसरे अधिक रकम कौन लाया? तो सबसे अधिक तो हमने देखा था ए लाया था, और ए के बाद कौन है? ए के बाद हमारा डी है जो सबसे अधिक लाया है। तो 138 में हमारा है ये आंसर फोर्थ डी। प्रश्न संख्या 139, एक व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए प्रवीण कहता है, उनकी लड़की मीना हमारी मां की पोती है। वह व्यक्ति है प्रवीण के पिता, प्रवीण के भाई, प्रवीण के मित्र, प्रवीण के चाचा। ये संबंध वाले प्रश्न जो है लगते तो बड़े टेढ़े हैं, लेकिन है बड़े आसान। इन्हें किस तरह से हल करना है आप देखें। प्रवीण ये इशारा कर रहा है एक व्यक्ति की ओर, और क्या कह रहा है? इस व्यक्ति की लड़की ये है मीना, हमारी मां की पोती है, तो प्रवीण की मां, और इस मां की ये मीना पोती है। अब देखिए ये जो मां है, स्त्री जो है, इसकी पोती है मीना, और मीना इस व्यक्ति की लड़की है, यानी मीना के ये पिता है। तो ये व्यक्ति मीना के पिता है, और ये जो स्त्री है ये मीना की पोती है। इसका मतलब ये जो व्यक्ति है, ये जो स्त्री है जिसे ये मां कह रहा है, वो व्यक्ति उसका बेटा है। तो इस तरह से देखिए, ये मां यानी ये जो स्त्री है प्रवीण, उसका बेटा है, साथ ही यह व्यक्ति भी उसका बेटा है। तो प्रवीण का वो कौन व्यक्ति कौन लगा? भाई लगा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर टू सही है। अब प्रश्न संख्या 140, पांच विद्यार्थी ए बी सी डी तथा ई के पिता का पेशा विभिन्न तरह का है, जैसे पढ़ाना, संगीत, मेडिसिन, कानून तथा वास्तुकला। ए के पिता वास्तुकार नहीं है, परंतु ई के पिता गायक हैं। बी के पिता पढ़ाते हैं, जबकि सी के पिता मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं। डी के पिता वकील नहीं है, किसके पिता वकील है? अब बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन देखने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। देखिए किस तरह से आसानी से ये प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम सबका नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। चलिए तो ए के पिता के बारे में यहां पर तो अभी कुछ नहीं है, यहां से शुरू करते हैं। ई के पिता गायक है, तो ई के पिता है गायक। इसके बाद बी के पिता पढ़ाते हैं, बी के पिता पढ़ाते हैं, इनका काम है पढ़ाना। चलिए सी के पिता मेडिसिन का प्रैक्टिस करते हैं, है ना, तो ये सी के पिता मेडिसिन। अब देखिए पांच में से तीन का तो यहीं पर स्पष्ट दिया हुआ है, अब बच गया ए और डी, और यहां भी ये हो चुका है, पढ़ाना हो चुका है, और इसके बाद मेडिसिन भी हो गया है, और संगीत ये गाना भी हो चुका है। बच गया है कानून और वास्तुकला। कानून यानी यहां पर ये कौन काम करता है? वकील। और वास्तुकला, वास्तुकार। चलिए अब ए और डी यही दो बचा हुआ है, तो इनमें से ही कोई होगा,
चलिए यहां देखते हैं, ए के पिता वास्तुकार नहीं है, यहां पर दो ही बचा हुआ है, कानून और वास्तुकला। तो ए के पिता अगर वास्तुकार नहीं है तो क्या करते हैं, कानून का काम करते हैं यानी वकील है। और यहां दिया हुआ है भी है, डी के पिता वकील नहीं है, तो डी के पिता क्या होंगे, वास्तुकार होंगे। तो पांचों का मिल गया, लेकिन हमें तो सिर्फ निकालना था कि किसके पिता वकील हैं। यहां आराम से निकल गया किसके पिता वकील हैं, ए के पिता वकील हैं। तो आशा है कि इन प्रश्नों के लिए जो मैंने लॉजिक दिया, जो मैंने हल आपको बताया, जिस तरह से बताया, वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। ये प्रश्न मैं फिर से बता दूं कि ये प्रश्न ये जो परीक्षा ली जाती है वो झारखंड में जैक के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा ली जाती है, और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ही एनटीएससी की भी परीक्षा लेती है, एनएमएमएस की भी परीक्षा लेती है। अतः जो छात्र छात्रा आकांक्षा के अलावे एनटीएससी के भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।